सीटों के लिए 11 उम्मीदवार उस वक्त मैदान में हैं। बीजेपी ने कुल 8 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से जया बच्चन के साथ मिलाकर कुल 3 मैदान में हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि उसके सभी 8 कैंडिडेट जीतेंगे। अखिलेश यादव को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है और चूंकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हुए 1 घंटा 4 मिनट का वक्त बीत चुका है, हो सकता है क्रॉस वोटिंग हो भी गई हो। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, जिन्हें कुछ लाभ मिलना होगा वो बीजेपी की तरफ चले जाएंगे। उम्मीद है समाजवादी पार्टी के 3 जीतेंगे, लेकिन खबरें जो आ रही हैं आप भी जानते हो, जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। चंडीगढ़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से अधिकारियों से मिलकर के, और बैलेट अगर न होता, सीसीटीवी कैमरे न होते तो शायद परिणाम कुछ और दिखाई देता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को बधाई जिसने कम से कम चंडीगढ़ और लोकतंत्र को बचा लिया। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। बीजेपी है, जीतने के लिए सब कुछ करेगी। अखिलेश की डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे 8 विधायक। जी हाँ, इसलिए अखिलेश यादव की बॉडी लैंग्वेज में भी और उनके बयान में भी आपने देखा कि वो ये कह रहे हैं कि जिन्हें कुछ लाभ चाहिए होगा वो क्रॉस वोटिंग करेंगे, यानी कि ये डर उन्हें भी सता रहा है कि गड़बड़ हो सकता है और 3 में से 1 का जीतना कुछ मुश्किल में पड़ता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों के लिए एक डिनर पार्टी रखी थी और इसमें 8 विधायक नहीं पहुंचे थे। अब वो 8 विधायक कौन से हैं, मैं उनके एक एक करके नाम आपके सामने रख देती हूं। इनमें अंबेडकर नगर से विधायक राकेश पांडे हैं, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह हैं, गौरीगंज से विधायक राकेश सिंह हैं और ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे हैं, जिनके इस्तीफे की खबर अभी अभी हमने आपको बताई। मुख्य सचेतक पद से त्यागपत्र दे दिया उन्होंने। इसके अलावा कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी हैं, अमेठी के विधायक महाराजी प्रजापति हैं, चायल विधायक पूजा पाल हैं और पल्लवी पटेल भी, जो कि अखिलेश यादव के डिनर में नहीं पहुंची थी। बता दें, महाराजी देवी गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी हैं। महाराजी देवी के बारे में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा किया था कि वो क्रॉस वोटिंग कर सकती हैं। इसके अलावा राकेश पांडे के नाम पर पहले से ही सस्पेंस था। हाल ही में उनके बेटे रितेश पांडे ने बसपा का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी का साथ अपना लिया है। रितेश फिलहाल अंबेडकर नगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। अखिलेश यादव की टेंशन क्यों बढ़ी हुई है, आपको उनकी पार्टी के विधायक अभय सिंह के बयान से पता चलेगा। अभय सिंह ने वोटिंग से पहले अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की बात कह दी है। अब वैसे तो वोटिंग पार्टी के दिशा निर्देश के आधार पर होती है, पार्टी को अगर मजबूत करना है राज्यसभा में भी तो इस आधार पर वोटिंग होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अंतरात्मा की आवाज पर वोट करूंगा। वोटिंग से पहले अभय सिंह ने अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीर भी शेयर की और लिखा, जय रघुनंदन जय सियाराम। अभय सिंह का वोट अब कहां जाएगा, इसका संकेत उन्होंने इसी के साथ दे दिया। अंतरात्मा की आवाज पे सही जगह पड़ेगा, बीजेपी को मान लिया जाए। अंतरात्मा का बिल्कुल सही जगह पड़ेगा, मतदान गुप्त होता है, बताने से वो निरस्त हो जाता है। सब लोग अभी तय करेंगे, बैठक करेंगे, सपा को वोट जा रहा है कि नहीं जा रहा है बैठक करके बता देंगे, जो बीजेपी को जा रहा है टिकट होगा सबको पता होगा। अभय सिंह की अंतरात्मा की आवाज क्या है, उसका इशारा उन्होंने थोड़ी देर पहले अपने एक्स पोस्ट के जरिए कर दिया था। अभय सिंह ने पोस्ट में लिखा, रामलला की तस्वीर डालकर जय रघुनंदन जय सियाराम। अब राम मंदिर को लेकर प्रयास किसके थे, राम मंदिर का निर्माण कैसे हुआ, और फिर जब वोट करने की बारी है तो फिर जिस तरीके की बात सिंह साहब कर रहे हैं उसका अर्थ तो यही है कि वोट जो है उनकी अंतरात्मा की आवाज पर हो सकता है, ऐसी आवाज हो जो अखिलेश यादव के कानों में मीठी ना सुनाई दे। उत्तर प्रदेश में सुबह 9:45 तक 100 विधायक वोट डाल चुके हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए 10 सीटों पर इस वक्त मतदान की प्रक्रिया चल रही है और अभी सुबह 9:45 तक का जो आंकड़ा अभी हम आपको दिखा रहे हैं,
100 विधायक वोटिंग कर चुके हैं, बाकी विधायकों के भी वोट करने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने सीधे बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया है। शिवपाल यादव ने कहा, क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक याद रखें, जनता चुनाव में सबक जरूर सिखाएगी। शिवपाल यादव ने यह बात की हमारी यूपी ब्यूरो चीफ रुचि कुमार से। तो भाई तो मूल लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई जब इतना तीसरा कैंडिडेट आपका नहीं निकल पाएगा तो जो क्रॉस करेंगे उन्हें जनता के बीच में फिर जाना है, तो जनता फिर सबक सिखा देगी। क्या लग रहा है कितने विधायकों को बीजेपी ने तोड़ दिया? अब आप ही लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, आपको ज्यादा पता है। तो तीसरा जो है वो आलोक रंजन है जिनका जिनकी सीट फंसेगी। आप ये तो वोट डालेंगे, वो तो जो अलॉट होगा पार्टी की तरफ से उसी को हमारे विधायक देंगे। तो क्या लग रहा है कैसे बीजेपी में चले गए आपके विधायक, किस तरह से बीजेपी ने उनको अपनी तरफ किया? खरीद फरोख्त, और लोकतंत्र में खरीद फरोख्त तो पाप है। तो कितने में खरीदा कुछ रेट बताइए? अब आपको ज्यादा पता है? नहीं हमें नहीं पता, आप बताइए आपके विधायक। आप ही लोगों से पता चल रहा है। तो शिवपाल यादव तो खुला आरोप लगा रहे हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। इधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि बीजेपी के सभी 8 कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं। अखिलेश यादव ने तीसरा उम्मीदवार उतारकर बड़ी गलती कर दी है। अखिलेश यादव के पास तीसरे उम्मीदवार के लिए नंबर नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी के विधायक भी देखना चाहते होंगे, तो वो भाजपा प्रत्याशियों को अगर वोट दे रहे होंगे तो यह उनका अपना विषय है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि हमारे 8 और सपा के 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। तीसरा कैंडिडेट खड़ा करके श्री अखिलेश यादव जी ने गलती किया है, उनके पास जीतने के नंबर नहीं थे, फिर भी उन्होंने तीसरा प्रत्याशी चुनाव में खिसियानी बिल्ली खंभा नूचे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का ना कोई दबाव बना रही है और ना इस प्रकार से वोट लेने की बात कर रही है। जिनके अंतरात्मा में राष्ट्र की प्रगति होगी, जिनको 2047 तक विकसित भारत देखना है, जिनको भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था देखना है, जिनको राज्यसभा में भी भाजपा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं उसमें कोई अड़चन ना आए, बहुमत देखना है, वो सब भाजपा के हमारे प्रत्याशियों को वोट दे रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। उन्होंने कहा विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए तक ऑफर किए गए हैं, लेकिन उनकी पार्टी के विधायक बिकने वाले नहीं हैं। जाहिद बेग हमारे साथ हैं। आज की जो आप हाथ हिला रहे हैं, क्या उम्मीद है चुनाव में? चुनाव में मुझे उम्मीद भरोसा भी है कि जो हमारे तीनों कैंडिडेट जीतेंगे। 1-2 वोट की फर्क है, उम्मीद है कि अपने लोक वोट को सपा को वोट देंगे। नहीं उम्मीद तो है, लेकिन जो डिनर था अखिलेश यादव का उसमें 8 विधायक, कम से कम 8 विधायक गायब थे, लापता थे? नहीं लापता नहीं थे, बहुत लोग पहले दिन आए थे, दूसरे नहीं आए थे, तीसरे नहीं आए, तो ना किसी एक कार्यक्रम में उसका एक मतलब अंदाजा नहीं लगा सकता। और चूंकि मुझे उम्मीद है भरोसा भी है जो लोग सपा से जीते हैं वो लोग सपा के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, पैसा लेकर वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो ईमानदार लोग हैं, बेईमान लोग नहीं हैं। अगर वोट देंगे तो उसका गलत मैसेज जाएगा। तो पैसा ऑफर किया जा रहा है? पैसा खूब चल रहा है। कितना चल रहा है? जहाँ तक तो मुझे जानकारी है 5-5 करोड़ रुपया ऑफर किया गया है, लेकिन 5 करोड़ रुपये पे विधायक बिकने वाले नहीं हैं, जो बिकेंगे तो क्षेत्र के लोग उनका बुरा हाल कर देंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, जब शिवपाल यादव आपसे बात कर रहे थे तो उन्होंने तो एकदम खुला आरोप लगा दिया कि खरीद बिक्री हो रही है, और जाहिद बेग को हमने सुना होते कह रहे 5-5 करोड़ का ऑफर है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी का पूरा खेमा जो है वो यही कह रहा है कि विधायकों को तोड़ फोड़ करने के लिए उनको, कुछ लोगों के ऊपर केस हैं तो डराया धमकाया गया है सीबीआई और ईडी से,
और बाकी पैसा ऑफर किया गया है, बहुत बड़ा पैसा दिया गया है, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। अब आपने सुना जाहिद बेग कह रहे हैं कि 5 करोड़ से ज्यादा ऑफर करके पार्टी को तोड़ा जा रहा है, लेकिन वो उनको तब भी भरोसा है कि उनकी पार्टी बिकाऊ नहीं है, टूटेगी नहीं। लेकिन यहाँ विधायक टूट रहे हैं, करीब 8 विधायक समाजवादी पार्टी कह रही है कि क्रॉस वोट करेंगे, और उनको अब पूरा यकीन हो गया है कि जो उनका तीसरा उम्मीदवार है उनको जिताना नामुमकिन समाजवादी पार्टी को अब लगने लगा है, क्योंकि अगर 8 लोग क्रॉस वोट कर जाएंगे तो सपा का तीसरा उम्मीदवार किसी भी तरह से नहीं जीत सकता। तो पैसे के लेन देन का आरोप लग रहा है, ये आरोप लग रहा है कि सत्ता में है इसलिए सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं, योगी सरकार के जो काम है उससे प्रभावित होकर ये विधायक जो हैं बीजेपी को वोट कर रहे हैं सपा खेमे के। तो आप समझ सकती हैं कि पिछले 8-10 दिनों से बीजेपी की जो कोशिश थी वो सपा खेमे में लेकिन इसके पीछे कारण क्या है दिख रही है, और लेकिन अभी इस क्रॉस वोटिंग के पीछे रुचि कारण क्या है? देखिए, क्या ये विधायकों की अपनी कोई नाराजगी है या फिर कैंडिडेट्स के चुनाव को लेकर कोई नाराज की है? जो 3 कैंडिडेट उतारे हैं अखिलेश यादव ने, देखिए मोटे तौर पे तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो विधायकों ने क्रॉस किया है, क्रॉस वोट करने जा रहे हैं, वो उसके पीछे जो समाजवादी पार्टी के 3 उम्मीदवार हैं वो बड़ी वजह ऐसा नहीं लग रहा। एक तो जैसा सपा आरोप लगा रही है कि पैसा चला, दूसरी चीज जो वो आरोप लगा रही है कि ईडी और सीबीआई से डर दिखा रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि एक जो क्रॉस वोट करने वाली हो गायत्री प्रजापति की पत्नी है जो जेल में है, गायत्री प्रजापति और उनकी पत्नी के ऊपर भी कई तरह के केस चल रहे हैं। तीसरी चीज ये कही जा रही है कि जैसे आप मनोज पांडे की बात करें, रायबरेली से वो विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के सचेतक रहे, उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, पार्टी में बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, तो वो चले गए ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी बातचीत चल रही है बीजेपी से कि वो रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ उनको कैंडिडेट बनाया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनको जो यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार बहुत दिनों से, बहुत महीनों से होना बाकी है, वो मंत्रिमंडल विस्तार हो और उन्हें मंत्री बना दिया जाए और बाद में MLC बना दिया जाए, क्योंकि अभी MLC की सीट्स भी खाली हो रही हैं। तो एक तो पैसे का आरोप है, दूसरा ईडी सीबीआई का डर दिखाने का आरोप है, और तीसरी बड़ी बात जो है ये विधायकों को अपना भविष्य जहां अच्छा दिखाई दे रहा है, उनको लग रहा है कि बीजेपी में भविष्य है इसलिए वो क्रॉस वोट कर रहे हैं। बड़ी बात, विशाल प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुचि एक बार हम उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है रुचि, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। एक बार फिर से जो गणित है वो जरा हम दर्शकों को बता दें, राज्यसभा में अगर बीजेपी के 8 उम्मीदवार और अखिलेश यादव के 3 उम्मीदवारों में से अगर किसी को जीतना है तो एक सीट फंसती है, और वो एक सीट ऐसे फंसती हुई नजर आ रही है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के पास तो संख्या बल है ही नहीं, उन्होंने एक उम्मीदवार और खड़ा करके गलती कर दी है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हमारे तीनों जीतने की संभावना है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें भी इस बात का डर है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है। अब ये क्रॉस वोटिंग कहाँ हो सकती है, क्यों हो सकती है, वो समझा रही है हमारी सहयोगी रुचि। अब रुचि, आप ये जो आपको ध्यान होगा, जब जया बच्चन का नाम नॉमिनेट किया गया था उस वक्त भी पल्लवी पटेल की ओर से एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जो नाम तय किए गए हैं उसमें PDA की झलक नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या किसी कैंडिडेट के नाम को लेकर भी कोई नाराज की, या वो PDA वाली जो बात है वो क्या विधायकों को सूट नहीं करी? देखिए, जब ये राज्यसभा चुनाव का ऐलान हुआ तब यहाँ पे स्थितियाँ फर्क थी, तब RLD जो है अखिलेश यादव के साथ थी, उनके 9 वोट थे तो अखिलेश यादव के 3 उम्मीदवार बहुत आसानी से जीत जाते, लेकिन जब अखिलेश यादव ने 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तब RLD ये तय हो गया था कि वो NDA में जा रहा है, यानी RLD के जो विधायक हैं वो वोट नहीं करेंगे समाजवादी पार्टी को, ये साफ हो गया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने अपना तीसरा उम्मीदवार उतार दिया। अब जहां तक नाराजगी की बात है, पल्लवी पटेल ने जरूर नाराजगी जताई, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी का जो PDA उम्मीदवार है उनको वोट करने को तैयार है। रुचि, मैं बड़ी माफी के साथ बीच में आपको इसलिए टोक रही हूँ क्योंकि हमें ब्रेक के लिए कह दिया गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इसी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे।